आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। शरद पवार के पोते रोहित से ईडी ने 8 घंटे तक की पूछताछ 8 फरवरी को फिर बुलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के लिए मुसीबत खड़ी करते हुए कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में उसके विधायक रोहित पवार से एक सप्ताह में दूसरी बार गुरुवार को पूछताछ की। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के पोते रोहित पवार दोपहर में ईडी कार्यालय में दाखिल हुए, जहां 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ जारी रही। इससे पहले उनसे 24 जनवरी को पूछताछ की गई थी। रोहित पवार बारामती एग्रो लिमिटेड के सीईओ हैं और उनकी दादी प्रतिभा शरद पवार परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गुरुवार देर शाम तक पास के एनसीपी एसपी कार्यालय में मौजूद थी। 2019 में मुंबई पुलिस की ओर से जांच की गई। महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक घोटाले से पैदा हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के संबंध में रोहित पवार से पूछताछ की जा रही है। सत्तारूढ़ गठबंधन से जुड़े लोगों की अनदेखी। वहां विकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने कथित घोटालों में रोहित पवार और पूर्व मुंबई मेयर केशोरी पेडनेकर और अन्य जैसे विपक्षी नेताओं को चुनिंदा रूप से निशाना बनाने के लिए ईडी की आलोचना की है, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन से जुड़े लोगों की अनदेखी की है। दिल्ली में शरद पवार और सुप्रिया सुले, शरद पवार और एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले इस समय संसद के चल रहे बजट सत्र के कारण दिल्ली में हैं। हालांकि राज्य के अन्य वरिष्ठ पार्टी नेता मुंबई में मौजूद थे और कुछ लोग रोहित पवार के साथ ईडी कार्यालय गए थे। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।